इस दिवाली को मनाए रावत स्टोर्स की आकर्षक सेल के साथ। छतरपुर का आपका अपना विश्वसनीय संस्थान रावत स्टोर्स लाया है दिवाली की खरीदी पर आकर्षक डिस्काउंट। ऑनलाइन से सस्ता और विश्वसनीय संस्थान रावत स्टोर्स। यहां पाएंगे हॉकिंस प्रेस्टीज, विनोद, मेयर के कुकर्स, नॉनस्टिक कुकवेयर्स, ट्राई प्लाई कुकरवेयर की संपूर्ण रेंज आकर्षक डिस्काउंट के साथ। लाओपालो, रॉक्स, बोरोसिल, टेरियो के साथ हाइलक्स, बाइट गोल्ड की इंपॉर्टेंट कुकरी की विशाल रेंज, मिल्टन, सेलो, जेपी, ऋषभ कंपनियों की संपूर्ण रेंज, स्टील, पीतल, कांसा, तांबा बर्तनों की आकर्षक श्रृंखला के साथ आकर्षक डिस्काउंट। रावत स्टोर्स पर है इतना कुछ कि आपकी दिवाली हो जाएगी शानदार। तो चले आइए, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। पता वही है, रावत स्टोर्स, उपभोक्ता भंडार के पास, चौक बाजार, छतरपुर। फोन पर भी संपर्क कर सकते हैं, नंबर है 9131466011। सरकार महिला स्व सहायता समूहों का निर्माण कर महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के प्रयास में जुटी है। इसी क्रम में सतना जिले की उचेहरा जनपद के अंतर्गत बांधी मोहार गांव में एक स्व सहायता समूह को तैयार किया गया था और इस स्व सहायता समूह की महिलाओं को प्रशिक्षित कर उन्हें गौशाला संचालन की अनुमति दी गई थी। एक अनुबंध के तहत उन्हें गांव की गौशाला का संचालन करना था और गोबर से बनने वाले उत्पादों को बनाकर उसका विक्रय करना था। ये सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लोगों ने इसकी तारीफ भी की, समूह की महिलाओं के द्वारा बनाई गई गोबर की मूर्तियों का प्रदर्शन भी हुआ। लेकिन पिछले कुछ दिनों से यहाँ हालात बिगड़ने लगे। बांधी मोहार के पूर्व सरपंच, गांव के एक दबंग व्यक्ति और पंचायत के सचिव ने मिलकर इस काम को रोक दिया। षड्यंत्र के आरोप लगे। शिकायत है कि महिलाओं के काम को रोका जा रहा है ताकि उनके समूह को मिलने वाली शासकीय मदद को हड़पा जा सके। इस मामले में महिलाएं शिकायत करते हुए घूम रही हैं। मछुआ स्वयं सहायता समूह में गौशाला दिया गया था बांधी मोहार ग्राम पंचायत, जिसमें से जब से गौशाला खुला है 4 साल से ही हम लोग यहाँ काम कर रहे थे, जो 1 साल पिछले साल से हम लोगों से यहाँ निकाल दिया गया, जिसके कारण हम मूर्ति नहीं बना पाए हैं और जो ये पिछली मूर्ति है उन्हीं का निर्माण कर रहे हैं। पंचायत नहीं, ये बताइए आपको निकाला क्यों गया था? हम लोगों को अंदर आने ही नहीं दिए गए हैं, पता नहीं किस कारण से ही हमको निकाला गया, अंदर आने ही नहीं दिए गए, जिसके कारण हम लोग मूर्ति नहीं बना पाए हैं। आपने अपनी शिकायत किसी अधिकारियों से कहा कभी? हमने शिकायत 70 ही दर्ज की है, 70 कहा है, लेकिन हमारी कहीं सुनवाई नहीं हुई है। हमने SDM को भी लिख के दिया था, CO मैडम को भी, जिला पंचायत में भी दिया था, जहां हमें कहीं से भी मदद। इस मामले में गांव के नव निर्वाचित सरपंच अपना दुखड़ा बयां कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पूर्व सरपंच और कुछ लोगों ने मिली भगत कर इस काम को रुकवाया है। मिश्रा जी हमारे यहाँ के सेक्रेटरी हैं, वो मुझे लेके गए परसों के दिन जनपद पंचायत उचेहरा। वहाँ जाने के बाद में पैसा विड्रॉल किया गया 1,88,000। हमने कहा कि ये पैसा तो पूरे ये उनके शिवू सिंह के उसमें जाएगा और ये इसका है गौशाला का। पंचायत में महिलाओं का कामकाज ठप है, महिलाएं परेशान हैं और अब अधिकारियों तक मामले की शिकायत पहुंच गई है। आजीविका मिशन के माध्यम से इस पूरे समूह को तैयार किया गया था। अब आजीविका मिशन विभाग के विकास खंड प्रबंधक अरुण कुमार साकेत कहते हैं कि इस मामले की जांच करेंगे। बीच अनुबंध हुआ, मछुआ महिला स्व सहायता समूह के द्वारा गौशाला का संचालन किया जा रहा है। 2 साल पहले इनका अनुबंध हुआ है और गोबर से मूर्ति और दिया बनाने का प्रशिक्षण आजीविका मिशन के द्वारा कराकर इन्हें कार्य दिया गया। कितनी राशि इनको आवंटित की गई है? इन्हें 50,000 रुपए लगा करके गतिविधि चालू कराई गई।